દેખાઈ રહ્યો છે અને એની સાથે આગળ વધીએ પહેલા એનઆઈટીના પરિણામો આવતા દેખાયા હતા એના ઉપર વાત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના સીઈઓ સપનેશ લલ્લા જોડાઈ રહ્યા છે. સર સ્વાગત હે સીએનબીસી બજાર મેં. સબસે પહેલે તો સર કિસ તરહ સે દેખ રહે હૈ આપ આંકડો કો, ક્યા આઉટલુક ઇસ રિઝલ્ટ કે બાદ આપકા બન રહા હૈ આગે કે ગાઈડન્સ કે લિયે? થેન્ક યુ, બહોત બહોત ધન્યવાદ મેરે કો આપકે પ્રોગ્રામ પે આને કે લિયે. યે પિછલા ક્વાર્ટર કાફી વોલેટાઇલ ઓર અનસર્ટેન એન્વાયરમેન્ટ મેં રહા હૈ. इस एनवायरमेंट में जितना इंडिया में ट्रेजेडी हुआ है वो आज तक कभी नहीं देखने के लिए मिली है, पर उसके बावजूद हमारा कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली गुड रहा है. रेवेन्यू हमारा 301 करोड़ पे रहा है जो 49% ग्रोथ है पिछले साल को देखते हुए. प्रॉफिट 72.1 करोड़, 196% ग्रोथ. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51 करोड़. तीनों आंकड़े काफी बेहतरीन हैं. हमारे दोनों बिजनेसेस ने काफी अच्छी ग्रोथ करी है. कॉर्पोरेट बिजनेस में 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और करियर्स स्किल्स एंड करियर बिजनेस में 62% ग्रोथ हुई है. पूरे एनआईटी में सीक्वेंशियल ग्रोथ भी अच्छी रही है. 9% सीक्वेंशियल ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही है. सो ओवरऑल काफी अच्छे आंकड़े हैं. In terms of going forward, हमारी काफी bullish expectation है इस अपनी कंपनी से, और हम सोचते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इस लेवल से थोड़ी ऊपर होती रहेगी हर क्वार्टर. ओके सर, ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बार अगर हम जहां पे देख रहे हैं मार्जिन के फ्रंट के ऊपर आपने परफॉर्म अच्छा किया है, ये आउटलुक को आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले साल के लिए? क्या हम एलिवेटेड लेवल पे मार्जिन को आते हुए देख पाएंगे या फिर इसी लेवल के आसपास सस्टेन होते हुए देख पाएंगे? हमारे मार्जिन इस क्वार्टर में काफी अच्छी रही है. जैसे आपने बोला, पूरे साल के बेसिस पे हमारे काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कुछ खर्चे होएंगे. ऑल्सो जैसे कोविड का डर थोड़ा खत्म होएगा तो ऑफिस में लोग आना शुरू करेंगे और फैसिलिटीज के ऊपर और ट्रैवल के ऊपर थोड़े खर्चे रहेंगे, तो ये पॉसिबल है कि जो मार्जिन लेवल्स अभी हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएंगी क्योंकि कुछ खर्चे इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ेंगे और कुछ खर्चे ट्रैवल और फैसिलिटीज के ऊपर बढ़ेंगे. पर कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, कंपेयर्ड टू ईयर बिफोर लास्ट, हमारा मार्जिन बेहतर रहेगा. साथ ही सर, आफ्टर सेकंड वेव अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, आपके इंडस्ट्री का सिनेरियो है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पे ग्रोथ के फैक्टर्स किस तरह से हम FY22 में पेन आउट होते हुए देख पाएंगे? जैसे मैंने पहले बोला, अभी एनवायरनमेंट में काफी अनसर्टेनिटी और वॉलिटिलिटी है. दो, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी वॉलिटिलिटी कम होती जा रही है जैसे वैक्सीनेशन के रेट बढ़ते जा रहे हैं. यूरोप में भी वॉलिटिलिटी थोड़ी कम है. इंडिया में आईटी कंपनीज में हायरिंग काफी तेजी से चल रही है, और ये तीनों चीजें देखते हुए हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी है बाकी साल के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. તો અત્યારે આપણી સાથે એનઆઈટીના સીઈઓ જોડાયેલા હતા અને જે પ્રમાણેના આઉટલુક છે એના માટેની વાત કરી હતા. ચિંતા કરવાની વાત નથી, આગળ જતા પરિસ્થિતિ થોડી સુધરતી દેખાય છે. અનસર્ટેનિટી ચોક્કસ છે પણ આઉટલુક અહીંયા હજુ નેગેટિવ સાઇડ ઉપરનો આવતો નથી દેખાઈ રહ્યો. અને મીનટાઈમ એક વખત સન ફાર્મા ઉપર પણ નજર કરી લો. રૂચિતે જે વાત કરી હતી એમાંનો પ્રથમ લેવલ અત્યારે આવતું દેખાઈ ચૂક્યું છે, એની ઉપર નીકળી ચૂક્યું છે. 770ના સ્તરની વાત કરી હતી, અત્યારે 771 ઉપર સ્ટોકમાં કારોબાર થતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે સન ફાર્માના. તો અહીંયા એક આપણે સારી એક તેજી તરફનો ટ્રેડ આગળ વધતો જોઈ રહ્યા છે અને ઓલમોસ્ટ 9.5% ઉપર અત્યારે કારોબાર થતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. રોકાઈ એક બ્રેક માટે, બ્રેક બાદ અન્ય સ્ટોક્સની ચર્ચા કરીએ.